इंडियन एम्बेसी वालों ने कुछ हेल्प नहीं करी हमारी वहाँ पे। किसने हेल्प करी? हमारे एजेंट्स ने हेल्प की हमारी। अच्छा। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद उन्होंने हमें 2 दिन का वहाँ स्टे दिया, लेकिन कोई इतनी हेल्प नहीं हुई क्योंकि ये युवा इस देश के लिए, इन युवाओं से आप ये उम्मीद करेंगे कि कल को जाके कहीं गांव में किसी की देश की सेवा करेंगे? बल्कि इन छात्रों के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये देश के लिए शायद कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए यूक्रेन गए थे। इन छात्रों को शायद हम ही ने वहां पर भेजा था देश का नाम रोशन करने के लिए, और ऐसा करके इन छात्रों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, भारत के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं यूक्रेन से वापस लौटे कुछ नई नस्ल के गद्दारों को जो अपने फायदे के लिए, अपनी तारीफ के लिए देश को बेइज्जत करते हैं। आइए सुने ऐसे लोग देश को क्या देते हैं। आप सुनिए ये लड़की क्या बोल रही है। हम अभी यहाँ आए जिसको बोला जा रहा है इवैक्यूएशन। आई डोंट नो, यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे, इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमानिया, वहां से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? सुना, लॉजिक सुनी कि भाई अगर आपको बचाना था तो वॉर जोन से बचाते तो वो इवैक्यूएशन कहलाता, आप तो रोमानिया से लेके हमको आए हैं। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो आज के वीडियो का नाम है कहां से लाते हो इतनी एहसान फरामोशी। 22 फरवरी के बाद से लेकर कल तक भारतीय सरकार 13,700 छात्रों को यूक्रेन से, पोलैंड से, हंगरी से, रोमानिया से एयरलिफ्ट कर चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से ऐसे वीडियो आए जिन्होंने अपनी एहसान फरामोशी की प्रकाष्ठा दिखाई। भारत सरकार ने, एम्बेसी यूक्रेन ने 12 फरवरी को एडवाइजरी जारी की थी। पहला नोटिफिकेशन यहां से इंडियन एम्बेसी यूक्रेन को 12 फरवरी में गया था, और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है 20 फरवरी का। कब का? 20 फरवरी का। पहले ये थोड़ा सा एक बाइट देखिए, फिर आगे बताता हूँ। Because they are continuing their classes online, their university has advised them to go back and continue their studies online. And some of the universities, they are continuing studies offline. So many students are over here and situation is very calm. सुना आपने कि यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस करती हैं 10 किलोमीटर। सुनिए। It was so difficult because we have to walk 10 kilometers to reach the border. 10 kilometers. ये युवा हैं, ये देश के युवा हैं, एहसान फरामोश बेशरम युवा, सामाजिक दृष्टि से पूर्णता बेशरम, राष्ट्र के दृष्टि से पूर्णता बेशरम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। शुक्र है ऊपर वाले का कि ये कोरोना काल में, लॉकडाउन में कहीं नहीं फंसी। इनको चलना पड़ा 10 किलोमीटर, और इस बहन माता को कितना चलना पड़ा, इसको कितना चलना पड़ा था, इसको देख रहे हैं, ये गर्भवती है, शी इज प्रेग्नेंट। इस वक्त मैं मानता हूं पूरी दुनिया में आपदा थी, पर अगर सरकार से कोई शिकायत होनी चाहिए, अगर, तो इनको होनी चाहिए। ये होती है वास्तव में जाहिल कैटेगरी। लोग हमेशा समझते हैं कि मेरा जाहिल से मतलब होता है अनपढ़, ये है जाहिल। तो इनकी ये लॉजिक है। अरे मोहतरमा को कोई ये बताए, अगर ये वीडियो इन तक पहुंचा सके कि लड़ाई चल रही है, 2 घंटे तक का, 2 शहरों तक का सीज फायर नहीं हो पा रहा है, इररेगुलर्स, यूक्रेन के इररेगुलर्स के हाथ में हथियार आ गए हैं, रशियंस रूथलेसली लड़ रहे हैं, क्या चाहते हो? 747 लेके यूक्रेन में उतरे और जो उड़ रहे हो तो कोई शूट डाउन कर दे, कोई स्टिंगर रेकलेसली, कोई स्टिंगर मिसाइल मार दे, तब फिर तुम लोग अपना सीना पीटोगे कि भारत सरकार ने हमारी सिक्योरिटी के लिए एक साथ हमारे 300-400 बच्चे मरवा दिए। तो ये ऐसे बेशरम लोग हैं, ये युवा इस देश के लिए, इन युवाओं से आप ये उम्मीद करेंगे कि कल को जाके कहीं गांव में किसी की, देश की सेवा करेंगे? आप इनसे ये उम्मीद करेंगे कि ये निःशुल्क समाज का, समाज के लिए, इस देश के लिए कहीं खड़े होंगे?
या आप इनसे वो उम्मीद करेंगे जो कुछ चंद डॉक्टर ने कोरोना काल में एक पेशेंट का हाथ नर्व देखने के लिए 20,000 रुपए ले लेते थे? ये उसी कैटेगरी के डॉक्टर बन के निकलेंगे। भारत सरकार ने आज 17 और देशों के नागरिकों को भी सुमी से इवैक्यूएट किया है और इन 17 देशों में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुनिसिया जैसे देश भी शामिल हैं। आज ये छात्र और इनके परिवार बेशक दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन ये सब भारत को दिल से दुआएं दे रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत लौटे हमारे हजारों छात्र भी क्या अपनी सरकार को दिल से थैंक यू कह रहे हैं? हिंदी में कहते हैं धन्यवाद, उर्दू में कहते हैं शुक्रिया। दुनिया में आप चाहे किसी भी देश के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी प्रजाति के हों, लोग छोटी छोटी बात पर भी थैंक यू कहना नहीं भूलते। आज जिन दूसरे देशों के छात्रों को भारत सरकार ने वहां से सुरक्षित बाहर निकाला है, वो भारत का गुणगान कर रहे हैं, उनके परिवार वाले भारत को धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन हमारे अपने छात्र शायद ये भूल गए। भारत सरकार ने इन छात्रों की वापसी के लिए अपने 4 सीनियर मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजकर सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया और इसके तहत विशेष विमानों को इन देशों में भेजा गया। लेकिन जब हमारे ये छात्र हवाई अड्डे पर उतरे भारत में, वहां भारत सरकार के अलग अलग मंत्री अपने हाथों में गुलाब का फूल लेकर, सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर इनका स्वागत करने के लिए प्लेन के बाहर खड़े हुए थे, इन्हें वेलकम बैक कह रहे थे, तो इन छात्रों ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और उनके नमस्ते का जवाब तक देना उचित नहीं समझा। इस युवा पीढ़ी को देखकर आज मन में ये विचार जरूर आता है कि अगर कभी भारत पर यूक्रेन जैसी आफत आ गई तो हमारे देश के युवा और हमारे देश के लोग उस दिन कैसा व्यवहार करेंगे। एक बार पहले आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। आप लोगों का साहस जो करके, जो मेहनत करके आप लोग इधर आए, आप सब लोगों को मैं फिर एक बार भारत सरकार के ओर से, सारी भारत के जनता के ओर से मैं स्वागत करता हूं। दिस इज योर पेंडिंग गवर्नमेंट? थैंक यू सर। मीडिया? इट्स मीडिया? और हमारे देश के जो विपक्ष के लोग हैं, हमारे देश के कुछ जो लिबरल्स हैं जिन्हें लोकतंत्र खतरे में नजर आता है, जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं, मीडिया में भी ऐसे लोग हैं, उन्हें आज ऐसा लगता है कि किसी एक नेता का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें लगता है वो मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में वो भारत का मजाक उड़ा रहे हैं पूरी दुनिया में। इन तस्वीरों को देखकर आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन छात्रों को इस बात की बिल्कुल भी खुशी नहीं है कि भारत सरकार उन्हें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल कर लाई है, बल्कि इन छात्रों के व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये देश के लिए शायद कोई बहुत बड़ा काम करने के लिए यूक्रेन गए थे। इन छात्रों को शायद हम ही ने वहां पर भेजा था देश का नाम रोशन करने के लिए, और ऐसा करके इन छात्रों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, भारत के लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये बात ऐसी है, ये शब्द जो है ये कड़वे हैं और कड़वे बातें, कड़वे शब्द हमारे देश में लोगों को पसंद नहीं आते। हो सकता है हमारी भी इसके बाद बहुत ट्रोलिंग हो। ऐसी सिचुएशन में जहाँ गवर्नमेंट को सारी चीजें पता है, वहाँ उन्हें हमें बोलना चाहिए था कि आप लोग छोड़ दीजिए यूक्रेन एज सून एज पॉसिबल। इंडियन एम्बेसी ने कोई एडवाइजरी हमारे लिए नहीं दी थी, कीव के लिए दी थी, कीव स्टूडेंट्स के लिए। अगर उस समय हमें एडवाइजरी मिल जाती तो आज इतने बच्चे जो फंसे थे वो आज फंसे ना होते। इंडियन एम्बेसी वालों ने कुछ हेल्प नहीं करी हमारी वहाँ पे। हमारे एजेंट्स ने हेल्प की हमारी। अच्छा। इंडियन एम्बेसी में जाने के बाद उन्होंने हमें 2 दिन का वहाँ स्टे दिया, लेकिन कोई इतनी हेल्प नहीं हुई क्योंकि फूड नहीं था खाने को उनके पास, वाटर नहीं था, वॉशरूम फैसिलिटी कुछ भी नहीं, सब अपने आप करना पड़ रहा। कम से कम 1,000 बच्चे एक शेल्टर में ऑफर दिया गया, जो बाथरूम साफ करेगा उसको पहले लेके जाएंगे। सीरियसली हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और बाथरूम साफ करेंगे पहले। ये किसने कहा था आपसे? इंडियन एम्बेसी ने। इंडियन एम्बेसी ने बहुत गलत किया था। अच्छा, ये कहा कि टॉयलेट साफ करिए फिर जाएंगे। जो पहले उन्होंने उनको प्रायोरिटाइज करेंगे, किसी की ऐसी हालत नहीं थी, कोई नहीं उठा। जब उन्होंने बोला कि जो पहले वॉश करेगा उसको पहले लेके जाएंगे, तब सब चले गए।
कि बच्चे जाना चाहते थे वहाँ से, निकलना चाहते थे। सो आपने वहाँ किसी अधिकारी को, मंत्री, इतने सारे गए, किसी को नहीं कहा? वहाँ पे हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमें निकलना था। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बोर्ड यूक्रेन से बाहर सपोर्ट की, यूक्रेन के अंदर क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है हमें हमारी गवर्नमेंट? लाइक अभी भी हमारी खार्किव सिटी में काफी बच्चे फंसे हुए हैं, स्टक हैं ऑलरेडी, और आप जानते होंगे कितनी। आप देखो ये बात आप समझो कि यूक्रेन का एयर स्पेस बंद हो चुका है और एक देश में वॉर चल रहा है, उस वॉर के क्षेत्र में किसी भी सरकार को या किसी भी फॉरेन अथॉरिटी को जाने की इजाजत नहीं मिलती। इसमें आपको आपको ये देखना चाहिए कि आप थैंक यू जो हमारे पास है, सबसे पहले हमें वो ऑप्शंस तलाशने चाहिए कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने जो किया तो मुझे लगता है बहुत किया, आप लोग खुद ही उसके आप से कैसे पहुंच सकती है हेल्प? आप में से किसी के पास आइडिया है जैसे किससे कह के यूक्रेन प्रेसिडेंट? पर ये क्या है गारंटी है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट या यूक्रेन की सरकार ऐसा करेगी? कैसे करेगी बताइए? वो एक दूसरा देश है, वो कर भी सकता है और मना भी कर सकता है। आप अपने दोस्तों को आज अगर वो पूछे कि आप बता दो कि मैं रुकूं या आ जाऊं, आप क्या बताओगे उसको? और अगर वो आपने कहा कि रुक जाओ और तब मारा गया तो क्या करोगे? और अगर आपने कहा कि निकल जाओ तब मारा गया तब क्या करोगे? यू नेवर, इट्स अ वॉर, आपको ये समझना होगा, इट्स अ वॉर। बाढ़ की इन सारी खबरों के बीच एक बेहद इमोशनल वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक औरत आर्मी जवानों के पैर छूते दिख रही है। वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो उनको शुक्रिया कहना चाह रही थी। ये औरत बाढ़ में फंसी हुई थी और इन जवानों ने उसकी जान बचाई थी। हालांकि जब उसने पहले जवान के पैर छुए तब उस जवान ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था। फिर वो पीछे की तरफ मुड़ी और दूसरे जवान के भी पैर छुए। लेकिन परंपरा के मुताबिक इसी तरह से हम अपनी जान बचाने वालों को शुक्रिया कहते हैं, और केवल उन्हें नहीं जो यूनिफॉर्म में होते हैं, वो बहुत विनम्र हैं। यही है असली इंडिया। ऐसी तस्वीरें भरोसा कायम करती हैं, भरोसा इंसानियत में, भरोसा आदमियत में, भरोसा ईमानदारी में कि अच्छे लोग हैं और उन्हीं लोगों की वजह से सब्सक्राइब को टच कर लाइक कर दें और घंटी के निशान को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर लें, जिससे ऐसे नॉलेजेबल और सोशल अवेयरनेस की वीडियो आपके और देश के सामने आती रहे। जय हिंद।